नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग के आज के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी कोशिश है कि आपको भारतीय कलाओं के रंगों से सराबोर कर दें। तो आज के अंक में खास प्रस्तुति होगी वर्ल्ड थिएटर डे पर। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि रंगमंच ऐसा मंच है जहाँ पर सपने सच होते हैं। साथ ही कैनवस की दुनिया में क्या कुछ है हलचल, आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे कलाकार, हमारे आर्टिस्ट अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी सृजनशीलता से रोज़मर्रा के मुद्दे नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी कैनवस के ज़रिए हमारे सामने पेश कर रहे हैं। साथ ही शास्त्रीय नृत्य और संगीत की दुनिया में क्या कुछ है खास, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो देर कैसे, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। मेरे पीछे लगे इन पेंटिंग्स में बढ़ते शहरीकरण को दर्शाया गया है, लेकिन रंग तरंग की अगली कहानी के ज़रिए आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे जंगल में। हमारे बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी सस्टेनेबिलिटी को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी संजीदा है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में नन्हे कलाकारों ने एक नृत्य नाटिका पेश की, द सॉन्ग ऑफ सियोनी, और इसके जरिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया। आइए आपको दिखाते हैं द सॉन्ग ऑफ सियोनी की एक छोटी सी झलक। द सॉन्ग ऑफ सियोनी एक जंगल की कहानी, जिसे मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया चौथी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने। जी हाँ, डीपीएस साकेत के 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने मंच पर इस तरह से अपना किरदार निभाया कि प्रोफेशनल कलाकारों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। खास तौर पर छोटे बच्चों ने तो हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। कमजोर समझने की मत करो गलती, इस समस्या का हल निकालो जल्दी। सही कहा, हम अपनी ताकत से एक और एक 11 बनकर दिखाएंगे। ये भेड़िए अपने आप उल्टे पांव लौट जाएंगे। ये रडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक का एक अडेप्टेशन है, और हमने इस थीम को लेकर के, ये तो मोगली का कहानी है, उसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी का भी थीम रख करके एक प्ले बनाया। सब कुछ इन हाउस है, स्क्रिप्ट भी हमारे स्टाफ ने ही लिखा, और सारा डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ हमारे इन हाउस ही है। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक बच्चे थे स्टेज पे आज, और करीब 300 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस प्रस्तुति में स्थानीय हाथियों का प्रमुख और जंगल कानून का रक्षक दिखाया गया। इसके अलावा इस पूरी कहानी में प्रमुख पात्र मोगली, यानी कि एक मानव बच्चा रहा जिसे भेड़ियों, बघीरा और भालू द्वारा पाला गया। वहीं शेर खान निर्दयी, आक्रामक, हिंसक और अहंकारी दिखाया गया, लेकिन अंत में जीत मोगली की दिखाई जाती है। Your worries and your strife. I mean the bare necessities.
द सॉन्ग ऑफ सियोनी जंगल बुक पर आधारित है। यहाँ बच्चों ने जंगल के हर जानवर का किरदार बखूबी निभाया। इस तरह के कार्यक्रम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि बच्चों के बीच प्रकृति और पर्यावरण का भी अच्छा संदेश जाता है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित पेश किए गए कार्यक्रम ने एक अलग छाप छोड़ी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। मनोरंजन के सबसे पुराने साधनों में से एक है रंगमंच। रंगमंच वो मंच है, वो कला है जिसने कई आंदोलनों को खड़ा किया, कई क्रांतियों को नई दिशा दी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि रंगमंच वो मंच है जो समाज की असलियत को दिखाता है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। क्या एक दिन काफ़ी है हमारे रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए? शायद नहीं। एक वो वक्त था जब हमारे रंगमंच के कलाकार हाशिए पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस कला का दामन नहीं छोड़ा और इसे पुनर्जीवित रखा और इसे कायम रखा। बतौर दर्शक क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? सोचिएगा जरूर। फिलहाल हम देखते हैं विश्व थिएटर दिवस पर ये बेहद खास प्रस्तुति। विश्व रंगमंच दिवस है। रंगमंच ना केवल मनोरंजन का जरिया है बल्कि ये लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ प्रेरित करने का भी काम करता है। रंगमंच दुनिया भर में कला, संस्कृति और परंपरा के प्रसार का एक सबसे सशक्त माध्यम है। ये अलग अलग नाटक के मंचन के द्वारा सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रंगमंच में कई तरह की शैलियाँ, विधाएं और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं। रंगमंच समय के साथ काफी विकसित हुआ है। विश्व रंगमंच दिवस कला के महत्व का जश्न मनाता है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाती है, मनोरंजन करती है, सिखाती है और बदलती रहती है। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और इसके महत्व को समझाना है। हम जानते हैं कि एक लंबे समय से रंगमंच अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है? नाटक जब अभिव्यक्ति का एक इतना बड़ा माध्यम है तो कोई भी समाज जो नाटक से अछूता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में लगभग 3000 साल के आसपास, उससे पहले भरत मुनि ने नाटशास्त्र लिखा था। उसमें भी उन्होंने कहा है कि नाटक जो है वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का स्रोत है, उसमें कला के अलग अलग विधा का एक समाहार है, एक समावेश है। दुनिया भर में लाखों लोग थिएटर कला का आनंद लेते हैं। निर्माण में हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक की तैयारी भी लग जाती है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। नाटककार उत्तम कथानक, संवाद और क्रियाकलाप प्रस्तुत करता है। निर्देशक और अभिनेता चरित्र विकसित करते हैं और पंक्तियाँ लेखक की दृष्टि को उजागर करती हैं। निर्देशन, संगीत, रोशनी और कोरियोग्राफी पूरे शो को एक साथ लाती है। ऑडियंस जो है वो एक दीपक लेके आता है थिएटर देखने या कोई नाटक देखने, और वहाँ जो अभिनेता होता है या जो डायरेक्टर होता है वो उस दीपक को जलाता है। रंगमंच देखने भी आते हो तो आप एक साथ आते हो, एक ग्रुप के साथ आते हो, किसी के साथ बैठना और किसी चीज़ को देखना और फिर उस मैसेज को ग्रेस्प करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे बच्चों में, हम बड़ों से लेके बच्चों से लेके हर किसी में ज़रूरी है। कहते हैं कि कलाकार जीवन के विभिन्न रूपों को अपने तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। जिंदगी में किसी का मनोरंजन करना अगर सफल हो गया तो मानो कलाकार का जीवन सफल हो जाता है। थिएटर में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं, लेकिन कहानी कहने और मानवीय अभिव्यक्ति का उसका मूल उद्देश्य आज भी वही है। आज दर्शकों के पास फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया सहित मनोरंजन के विविध विकल्प हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी रंगमंच अपनी विश्वसनीयता के साथ दर्शकों तक अपनी पहुंच को हर दिन बढ़ा रहा है। इस प्रदर्शनी को नाम दिया गया है गद्दी। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, वहां की ट्रेडिशन को बहुत ही खूबसूरती से इस प्रदर्शनी के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिस्ट है मनीष, और मनीष की कोशिश है कि हिमाचल की संस्कृति से, वहाँ के कलाकारों से, वहाँ की जीवन शैली से आपको वो रूबरू करा सके। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से, एक सेंट्रल थीम की अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेचर दिया गया है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट उनका स्टाइल है जो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दिखाया गया है। तो
तो यानी कह सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में जहाँ पर हिमाचल की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं की एक झलक साफ दिखती है, तो वहीं एक तरह से नवाचार भी है जो मनीष का जो अपना एक स्टाइल है कलाकारी का, और कैनवस पर रंगों को और कहानियों को चित्रित करने का, उन्हें पेश करने का, तो जो उनका अपना स्टाइल है उसमें भी कहीं ना कहीं वो अपनापन साफ तौर पर नज़र आता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की छोटी झलक और जानने की कोशिश करते हैं मनीष से कि किस तरह से उन्होंने हिमाचल की संस्कृति को, उसकी परम्परा को इन तस्वीरों में कैद किया है। इस मनोरम प्रदर्शनी में हिमाचल की गद्दी संस्कृति का सार देखने को मिलेगा। कलाकार ने अपने उत्कृष्ट स्ट्रोक और नवीन रचनाओं के माध्यम से हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की एक सिम्फनी पेश की है। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए कलाकार एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा है जो परंपरा और आधुनिकता के धागों को एक साथ जोड़ती है। एक्रिलिक चित्रों की विविध श्रृंखला के माध्यम से मनीष कुमार ने दर्शकों को हिमाचल के गद्दी के जीवन के सांस्कृतिक परिदृश्य में डुबाने का एक प्रयास किया है। प्रत्येक कैनवस एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है जो एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां अतीत वर्तमान से मिलता हुआ नजर आता है। और कलाकार की नवीनता की भावना सदियों पुरानी परंपराओं में एक नई जान फूंकती है। ये प्रदर्शनी मनीष के हिमाचल के लोगों के साथ गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। गद्दी संस्कृति वो संस्कृति है जो हिमाचल की सबसे प्राचीन प्रिमिटिव और ट्राइब्स कल्चर को संस्कृति है वहाँ की, और इस विषय पर कोई भी चित्रणकार अभी तक नहीं हुए हैं। कांगड़ा मिनिएचर शैली में इसमें कुछ कार्य हुए हैं, परंतु कंटेम्प्रेरी जो हमारी समकालीन शैली है ना, उसमें कार्य नहीं किया गया है। तो संस्कृति के रूप में इस गद्दी ट्राइब्स के लोगों को लेकर के जो मैं अलग तरीके से देखता हूँ, बेसिकली हिमाचल के लोग वहाँ के लैंडस्केप सीनरी के रूप में जानते हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू जिसके अभी तक टच नहीं किया गया, उसको एक नए रूप में इस दिल्ली में मैंने प्रेजेंट करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बस बेसिकली हर आर्टिस्ट का ना अपना एक कलर पैलेट का एक स्टाइल होता है, तो ये डार्क थीम आपको जो दिख रहा है ना, बेसिकली स्मूथ कलर हैं, एक पेस्टल शेड्स में बनाए गए हैं। तो हिमाचल की जो सौम्यता है, बेसिकली एक चहल पहल वाला इलाका नहीं है, तो उसकी जो एक सौम्यता है ना, तो हमारे रंगों में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी रंग चुभेगा नहीं, चुभता हुआ नज़र नहीं आएगा। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा मतलब सौम्य कलर का प्रयोग किया गया है, और एक रंगे कलर को लेकर के बनाया गया है। तो हिमाचल की जो ब्यूटी है, उसकी सौम्यता, जो मधुरता, उसको अपने रंगों में समाहित करने का प्रयास किया है। ये प्रदर्शनी परंपरा, नवीनता और अपनेपन का उत्सव है। समकालीन अभिव्यक्ति के माध्यम से मनीष परंपरा के साथ अपने संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए एक आग्रह करते हुए नजर आते हैं। इस प्रदर्शनी के जरिए मनीष ये संदेश दे रहे हैं कि नवाचार को अपनाते हुए हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को भी जीवित रख सकते हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। ये बेहद खूबसूरत रंग बढ़ते शहरीकरण को दर्शाते हैं। आर्टिस्ट रीना भटनागर ने शहर के अपने अनुभवों को यहाँ पर कैनवस पर उतारा है। हमारे गांव सिमट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, ऊंची ऊंची बेहद खूबसूरत इमारतें इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस खोखलेपन की ओर भी इशारा करती हैं। क्या हर सुंदर चीज़ या कहीं शहर हमको खोखला तो नहीं कर रहे? चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा और विवाद जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी अर्बन सिम्फनी की एक झलक और मुलाकात करते हैं रीना भटनागर से। संगीत, सुर और रंग का कोई संबंध आपस में महसूस किया है? संगीत और रंगों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। चमक, लय और तीव्रता संगीत और रंगों में पाई जाती है, बल्कि कहना ये चाहिए चमक और लय संगीत या रंगों की भाषा बन जाते हैं। एक ऐसी ही चित्रकला प्रदर्शनी अर्बन सिम्फनी के नाम से आयोजित की गई दिल्ली के रविंद्र भवन में। चित्रकार थी रीना भटनागर।
इंद्रधनुष के सात रंग सातों रंग जुदा, और ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी ना जाने कितने रंग होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में ये रंग शामिल ना हो तो हमारी जिंदगी भी बेनूर है, बेरंग है। और एक चित्रकार अपनी कूची से न जाने कितने रंगों को, जिंदगी के रंगों को एक ही कैनवस पर उतार देता है, ताकि हमारी जिंदगी भी इन्हीं रंगों की तरह बेहद खूबसूरत कहलाए। रीना भटनागर के चित्रों में इंद्रधनुषी रंग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जिस तरह से जीवन में रंगों का महत्व होता है, उसी तरह से हर चित्र में जिंदगी के रंग नुमाया थे। दरअसल हर रंग हमसे अपनी कहानी खुद कहता है। अलबत्ता ये हमारी सोच है कि कोई रंग अच्छा है या बुरा, लेकिन एक चित्रकार हर रंग में जो चमक देता है, उससे जिंदगी भी इंद्रधनुषी होने का एहसास कराती है। मेरी पेंटिंग की थीम अर्बनाइजेशन है, मेरे सारे वर्क्स अर्बनाइजेशन के ऊपर ही है। जैसे कि मैं खुद चंडीगढ़ में रह रही हूँ बचपन से, तो वो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, तो वहाँ का आर्किटेक्चर एक जैसा है। लेकिन चंडीगढ़ से बाहर जाते हुए जब हम जीरकपुर और दिल्ली और आसपास के वहाँ एरिया में जाते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं डिज़ाइंस में भी और कलरफुल भी हैं, तो वो मेरे को मजबूर करती हैं कि मैं उनको अपनी पेंटिंग में ऐड करूँ। रंग एक ऊर्जा है, रंग एक भाव है, रंग अभिव्यक्ति है। आप जो रंग बिखेरते हैं वही आपका रंग हो जाता है, और दुनिया आपको उसी से जानती है। कला के प्रति उतना अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में है नहीं, हालांकि आज तो फिर भी काफी कुछ हुई है। मैं अगर 50 साल पहले बात करूं तो बच्चा पढ़ता था, पेंटिंग अच्छी करता था, तो लोग कहते थे पेंटिंग तो अच्छी करते हो, पढ़ाई क्या करते हो। इस तरह से रंग प्रकृति में ऊर्जा के रूप में संचारित होता है। ये सिर्फ आंखों पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, बल्कि ये मन मस्तिष्क पर भी असर छोड़ता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जो पुराने आर्टिस्ट थे वो कहीं ना कहीं पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न आर्टिस्टों से, और कहीं ना कहीं उनके कामों में उनकी छाप जो है वो रह जाती थी। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, ये अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है। इस तरह से रंग प्रकृति में ऊर्जा के रूप में संचारित होता है। ये सिर्फ आंखों पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, बल्कि ये मन मस्तिष्क पर भी असर छोड़ता है। शायद यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में रंगों का एक खास महत्व है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। यकीनन मिर्ज़ा गालिब को गए हुए एक अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके द्वारा लिखा गया हर एक शब्द, उनके द्वारा कही गई हर एक नज़्म, हर एक गज़ल हम सभी को याद है। एक बार फिर मिर्ज़ा गालिब के जीवन को, उनके संघर्षों को मंच पर जीवंत कर दिया प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा ने। डॉक्टर उमा शर्मा को कहीं ना कहीं श्रेय जाता है मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री को, उनकी रचनाओं को कथक के द्वारा मंच पर पेश करने का। और ये शाम भी बेहद ख़ास रही, जो पूरी तरह से समर्पित थी मिर्ज़ा गालिब की विरासत के जश्न को। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा ने कथक भाव से मंच पर गालिब के जीवन को जीवंत कर दिया। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, जिन्हें प्यार से आप मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं, उनकी याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नृत्य प्रस्तुति की शुरुआत गालिब के जीवन की शुरुआती दौर से हुई। काव्यात्मक अभिव्यक्ति के जरिए उनके जीवन के दिनों को
बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दर्शक देखते हैं कि गालिब के जीवन में तब उथल पुथल मच गई जब उन्हें शराब की लत लग गई और वो गिरफ्तार हो गए। हालांकि निजी जीवन की दिक्कतों के बावजूद उनकी गजलों को खूब सराहा गया। गालिब ने कठिन समय के दौरान अपने अकेलेपन पर कई गजलें लिखी हैं। वो अपने पीछे गजलों की विरासत छोड़ गए। उनके कई शेर माहौल में मदहोशी खोल देते हैं और टूटे हुए दिलों की दास्तां भी सुनाते हैं। गालिब की शायरी का दर्द कहीं न कहीं उनके जीवन की कहानी थी जो उनके दर्द को बयां करती है। उमा शर्मा ने गालिब को खूबसूरत श्रद्धांजलि देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कहीं न कहीं ओमा शर्मा को गालिब की शायरी को कथक में सर्वप्रथम पेश करने का श्रेय जाता है। कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। समाज के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करती हैं ये कलाएं। हमें जीवन के अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराती हैं ये कलाएं। तो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कला के किसी ना किसी रूप से ज़रूर खुद को जोड़े रखें। और हम अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर करने। तो आज के रंग तरंग के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मशहूर शास्त्रीय गायिका पद्मजा चक्रवर्ती के सुरों से सजी इस शाम की कुछ झलकियों के साथ। तो आप लुत्फ उठाइए पद्मा जी के इस गायन का और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नंदा रूंगी नंदा।